स्वागत है आप लोगों का। आज हम शुरू करेंगे ह्यूमन ब्लड के बारे में, ठीक है। लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ब्लड के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जितना हो सकेगा मैं डिटेल में बताऊंगा। प्रश्न आज ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक का ही नाम है ब्लड, हिंदी में कहिए इसको खून कह सकते हैं, ठीक है। यह ना एक नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड मतलब क्या होता है? इसे हम गाढ़ा द्रव्य कहते हैं, गाढ़ा द्रव्य। फिर इसे चीनी को घोल दीजिए पानी में, घोलते जाइए घोलते जाइए, तब जो चाशनी बन जाती है ना, उस टाइप का है ये, ठीक है। यह कैसा उत्तक है? यह एक संयोजी उत्तक है। मैं बता चुका हूँ रक्त एक संयोजी उत्तक है और इसका जो पीएच मान है ना, पीएच लिखने में देखिए कई लोग गड़बड़ करते हैं। पी होता है इसमें छोटा और एच होता है बड़ा। पीएच मान इसका 7.4 होता है। अगर 7 होता तो यह उदासीन होता, 7.4 है तो यह क्षारीय है, थोड़ा सा क्षारीय है, ठीक है। क्योंकि क्षारीय होगा तभी हेमोग्लोबिन काम करता है, ठीक है ना। अगर ये अम्लीय हो जाएगा तो हेमोग्लोबिन का उतना जो वर्किंग है ना, वो गड़बड़ा जाएगा। मानव में लगभग 5 से 5.5 लीटर तक टोटल ब्लड होता है, ठीक है। और स्त्रियों में थोड़ा कम होता है, 0.5 लीटर के आसपास। रक्त क्या करता है देखिए, यह गैसों का परिवहन करता है, ठीक है। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, हार्मोन्स, इन सभी का परिवहन ये करता है, ठीक है। जो वयस्क मानव होता है ना, उसमें रक्त का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में होता है ये। और एक कंडीशन और है कि इसका निर्माण आपका जब भ्रूण अवस्था में होता है ना, तो इसका निर्माण आपका मीसोडर्म में होता है। वो भ्रूणीय अवस्था में मीसोडर्म में होता है, वो भ्रूण में भी हो जाता है, ठीक है। मीसोडर्म 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो भ्रूणीय अवस्था में मीसोडर्म में यह निर्माण होता है ब्लड में, ठीक है। इसमें आपको और भी पता होगा कि लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। इसका आकार जो होता है ना, वो उभयावतल होता है, जैसे बीच से इसका गड्ढा होता है, बीच से गड्ढा और दोनों तरफ से साइड व्यू में बनाया हूँ, ठीक है ना। बीच से गड्ढा और दोनों तरफ से ऐसा उठा हुआ होता है, वो साइड व्यू है। आगे से देखोगे तो ऐसे सर्किल नजर आएगा, बीच में से गड्ढा, ठीक है। तो चलिए जैसे जैसे प्रश्न बनेगा हम आगे बताते जाएंगे। रक्त होता है क्या? बता चुका हूँ मैं, रक्त है एक संयोजी उत्तक, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। रक्त शरीर में क्या काम करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, खड़े होने में सहायता करता है। नहीं, इसमें से कुछ नहीं करता, वो भोजन भी नहीं पचाता, ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितना रक्त होता है, मैं बताया हूँ आपको, ठीक है ना। 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन ए, मिलियन मिलीमीटर प्रति क्यूब है, ऐसे लिखा हुआ वो, मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब है वो, ठीक है ना, पर क्यूबिक मीटर में ये नापा जाता है। अगला है, मानव रुधिर का पीएच मान है आपका 7.4। ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए मानव में आपका जो है ना, जैसे ये मेन ब्लड है आपका, यह दो तरह के, इसमें ब्लड जो क्या होता है देखिए, इसमें होता है एक आपका प्लाज्मा होता है और एक होता है आपका ब्लड कार्पोसल्स, कार्पोस्कल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा आपका ना करीब 55% होता है, 55 से 60% इसको हम बोल सकते हैं। सर प्लाज्मा क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा नस है, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये हमारा शरीर के अंदर का नस है, ठीक है ना। इसके अंदर गाढ़े तरल पदार्थ भरे होते हैं, लिक्विड टाइप के, ठीक है। और इसी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, प्लेटलेट्स
और ये जो सारा लाल लाल आपका गाढ़ा द्रव दिख रहा है वो आपका है प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा के अंदर ब्लड कार्पसल्स होते हैं, वो RBC रेड ब्लड कार्पोस्कल्स इसको बोलते हैं, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। कई बार ये भी पूछ देता है कि रेड ब्लड कार्पोसल्स को क्या बोला जाता है, तो RBC कहा जाता है। एक होता है WBC, WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, ठीक है। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स कैसे लिखा, PLATES, प्लेटलेट्स को कहा जाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना होगा वो, ठीक है। और जो ये ब्लड, ये तो 55 से 60% होता है, और ये आपका होता है 40 से 45%, ठीक है। तो ये टोटल ब्लड हो गया, ब्लड में प्लाज्मा है और प्लाज्मा में रक्त के कण है, RBC एरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मनुष्य के खून का पीएच होता है कितना होता है, 7.4 होता है। अगर 7 होगा तो यह उदासीन हो जाएगा, 7 से कम अगर होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हुआ तो यह क्षारीय हो जाएगा। तो 7.4 है तो कम क्षारीय है ये, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है, मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा। पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि मानव में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर क्षारीय हो गया तो ऑक्सीजन ढोने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सांस क्या होगा, फूलने लगेगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, ब्लड है आपका प्राकृतिक कोलाइड, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है, ब्लड कार्पोसल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। RBC WBC ये सब हटा दिया जाए तो क्या बचेगा आपका, प्लाज्मा बचेगा। प्लाज्मा के अंदर ही ब्लड कार्पोसल्स होते हैं, RBC एरिथ्रोसाइट्स, WBC ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स आपका थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये आपका किसमें मौजूद होता है, प्लाज्मा में होता है। अब देखिए प्लाज्मा की बात आई है तो प्लाज्मा के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्लड का, कितना होता है, 55 से 60% ये ब्लड में होता है, ठीक है ना। और प्लाज्मा का 90% जो पार्ट होता है ना वो आपका क्या होता है, वाटर होता है प्लाज्मा का, ठीक है। ब्लड का 50 से 60% आपका प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर भी 90% क्या होता है आपका, पानी होता है, और लगभग 10% जो होता है ना प्लाज्मा के अंदर वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और इसी के अंदर दो प्रोटीन पाया जाता है आपका, आपने सुना भी होगा, जो थक्का बनाने में काम करते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजन, और एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। ग्लोब्यूलिन भी होता है जो आपका थक्का बनाने में काम करता है। कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि थक्का किसके कारण बनाता है आपका, वो थक्का यानी कि ब्लड को जमाने में कौन मदद करता है, जब कहीं से हमें कट लग जाती है, खून बाहर निकलने लगता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ही रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये सब किस में होता है, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में ये सारे होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त में कोशिकाओं कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। अभी बताया 55 से 60% होता है आपका, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे 60% होता है लगभग, लेकिन एक्चुअल में हम देखें ना तो 55% ही होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पूछ क्या रहा है, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, ये आपका ब्लड है, ब्लड के दो पार्ट हैं, प्लाज्मा है और क्या है, और रक्त कण है वो, ठीक है ना, WBC RBC, तो ये आपका 55 से 60% है और ये आपका 40 से 45% है, ठीक है। इसी में आपका RBC WBC
सारा ठीक है, और ये प्लाज्मा आपका 90% भाग इसका जल है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है जो कि ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। इसका 90% भाग जल होता, ऑप्शन बी सही उत्तर था। अगला है आपका, किसके एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, कौन एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। हल्का पीला आपका हो जाएगा प्लाज्मा, जिसमें 90% तक क्या होता है, पानी होता। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। हल्का पीला रंग का होता है और ये कुल ब्लड का 55% होता है। अगला है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अभी जस्ट बताया मैं, पानी इसमें लगभग 90 से 92% होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसमें दो प्रोटीन पाया जाता है आपका, फिर से बता देता हूँ, एक होता है आपका फाइब्रिनोजन और एक होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों क्या करता है, थक्का जमाने में मदद करता है। जब खून बाहर निकलने लगता है ना, तो यही दोनों हवा से प्रतिक्रिया करके एक जाली नुमा संरचना बना देते हैं जो हमें थक्के के रूप में दिखती है, ठीक है। एक और इसमें टॉप इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ये मान लीजिए आपका प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या, आपका प्लाज्मा में ये सारा है आपका, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है। अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटा लें, उसको निकाल दें, तो जो बचेगा ना, वो हम उसे हम कहेंगे सीरम, ठीक है। अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं, क्या निकाला हमने, फाइब्रिनोजन अगर निकाल लिया जाए प्लाज्मा से, तो उसे हम कहते हैं सीरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, अब तो आपको पता चल गया होगा। हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन है, ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये तीनों क्या करता है आपका, वो थक्का जमाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन को अगर प्लाज्मा से बाहर निकाल लिया जाए तो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, प्लाज्मा में प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में, देखिए रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है ना आपको, वो डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, या फिर 100 ml लिखा हुआ रहेगा। प्रत्येक 100 ml में आपका इतना ग्लूकोज है, वो 100 ml को 1 dl बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर होता है, वो वयस्कों में खाली पेट ग्लूकोज स्तर कितना होगा आपका, देखिए हर पर 100 ml लिखा हुआ आपका, यही डेसीलीटर है, ठीक है, होता है आपका वो 100 होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, वो खाली पेट ग्लूकोज का स्तर 100 mg/dl होता है, ठीक है। मनुष्य में समान निरत्र रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, माने खाने के बाद पूछ रहा है, ये होता है आपका 80 से 100 mg होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर आपका होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 180 से 200 mg। ये न्यूमेरिकल मतलब कि क्या कहते हैं, डाटा संबंधित है, इसका आपको बस याद रखना होगा, ठीक है। इसे बस समझने के लिए कुछ नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। वयस्क पुरुष में RBC की संख्या होती है, रेड ब्लड सेल आया, चलिए अब रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने तो अभी तक इतना पढ़ा था ना कि ब्लड है, ब्लड में क्या है आपका, एक तो आपका चला जाता है प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और दूसरा चला जाता है ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। इसमें एक हो जाता है आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे, अभी इस टाइम पढ़ेंगे RBC के बारे में। RBC जो होता है ना, वो आपका टोटल ब्लड जो रक्त कण होते हैं ना, उसका लगभग 90% भाग होता है। सबसे ज़्यादा संख्या में RBC ही पाया जाता है। इसकी संख्या लगभग 50 लाख होती है, वो 50 लाख कितना होता है, इसको 5 मिलियन कहा जाता है।
ठीक है, 50 लाख से ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस और क्या नहीं पाया जाता, लाइसोसोम। न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है किसमें, आरबीसी में। इसे क्या कहा जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स और इसे थ्रोम्बोसाइट्स। इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन जो होता है ना इसका, कितने दिनों तक जीवित रहता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाकर के मर जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है आपका, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा आपका बोन मैरो में, और जब भ्रूणीय अवस्था में मेसोडर्म में होता है वो। ठीक है, जो कहाँ मरता है जाकर ये, इसका क्या कहते हैं इसको, कब्रगाह जिसको कहा जाता है, यह स्प्लीन में जाकर इसकी मौत हो जाती है। स्प्लीन जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, लाल रक्त कण जो है ना वो स्प्लीन में जाकर के खत्म हो जाता है। इसमें एक हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, ये मैं आगे बताऊंगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह तत्व तो पाया जाता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। ठीक है, तो संख्या मैंने बताया 50 लाख, 5 मिलियन के आसपास, ठीक है, उससे ज़्यादा ही बताया, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, यानी कि खून का जो निर्माण है ना वो कहाँ होता है आपका, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, अस्थि मज्जा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक बार डिटेल में पढ़ लो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं, सिंपल है आपका, लाल अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने समय का होता है, होता आपका 100 से 120 दिन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, अभी बताया प्लीहा को लाल रक्त कण का क्या कहा जाता है, कब्रगाह, यहाँ पर ये नष्ट हो जाती है। प्लीहा से श्वेत रक्त कणिकाएं जन्म लेती है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, ऑक्सीजन को कौन वाहक है, आपका लाल रक्त कोशिका ही है। शरीर के सभी अंगों में यह ऑक्सीजन को पहुंचाता है, किसकी सहायता से, हीमोग्लोबिन की सहायता से, ऑप्शन ए सही उत्तर है। श्वेत रक्त कणिका यह हमारे लिए प्रतिरक्षा का काम करती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग सिपाही कहते हैं, हमारे शरीर का सिपाही है ये। प्लाज्मा 90, प्लाज्मा में ही सारे रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सारे प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार क्या होता है, वो देखिए, काफ़ी ऊंचाई पर आप चले जाओगे ना तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी को कौन पूरा करेगा, लाल रुधिर कणिकाएं कैसे पूरा करेगा, उसका आकार बढ़ जाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है, रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, आरबीसी अगर बन जाए ना तो इसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, आरबीसी लाल रक्त कणों की संख्या अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए तो इसे हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ल्यूकेमिया क्या होता है आपका, ल्यूकेमिया होता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी। ल्यूकेमिया याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ल्यूकेमिया होता है। हीमोफीलिया क्या होता है आपका, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का अगर नहीं जमे तो उसे हम हीमोफीलिया कहते हैं कि अगर एक बार कहीं कट लग गया तो खून बहना वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, और सॉरी ल्यूकेमिया मैं गलत बता दिया, ये एनीमिया जो है ना आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ल्यूकेमिया सॉरी एनीमिया होता है, और ल्यूकेमिया आपका होता है WBC की कमी के कारण। इसमें आपके ना शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गड़बड़ा जाती है। ठीक है, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोफीलिया रक्त का थक्का न जमना, पॉलीसाइथेमिया
आरबीसी की मात्रा बढ़ जाना और ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी का कमी हो जाना हो। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है, पॉलीसाइथेमिया। एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जस्ट अभी बताया हमें हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है, आपका एनीमिया होता। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें क्विज होता है आपका। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? वो अपर्याप्त यानी जितना खून हमें चाहिए उतना खून की आपूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हीमोस्टेटिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही उत्तर है, सॉरी ऑप्शन ए इस्कीमिया कहा जाता है। जितनी जितना हमें ब्लड चाहिए उतना ब्लड हमारे शरीर की नसों को नहीं मिल रहा है, हमारे शरीर के भागों को नहीं मिल रहा, जिसे हम कहते हैं इस्कीमिया। और हेमरेज क्या होता है? हेमरेज होता है कहीं से कट छट जाना, वो अंदरूनी कट हो गया या फिर बाहरी कट हो गया जिससे खून बहने लगता है, उसको हम लोग हेमरेज कहा जाता है। और खून की पूरी जितना चाहिए उससे अधिक अगर मात्रा मिलने लगे तो उसे हम हाइपरीमिया कहते हैं, हाइपरीमिया कहा जाता है। ठीक है, और हीमोस्टेसिस आपका होता है जब खून का थक्का जमता है ना, तो उसका जब पहला प्रोसेस होता है वो यही होता है, हीमोस्टेसिस होता है। ठीक है, तो अपर्याप्त आपूर्ति यानी कि आपूर्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है तो इस्कीमिया, और ज़रूरत से ज़्यादा आपूर्ति हो रही है तो हाइपरीमिया। और हीमोस्टेसिस थक्का बनने का एक प्रोसेस है, और हेमरेज अंदरूनी कटाव या फिर अंदर से भागों का कट जाना, बाहर से कट जाना जिससे खून का बहाव होता है उसे हम लोग हेमरेज कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया, दिमाग की नसें फट गई। ठीक है, अंदरूनी में हो जाता है वो। अगला है, किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? सिंपल है, ऑप्शन बी स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहा जाता है, इसे तिल्ली भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है आपका? वो स्प्लीन या फिर पिल्ली तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश, बताया था ना कि जहाँ आरबीसी नष्ट होता है वहाँ से डब्ल्यूबीसी जन्म लेता है, वो आपका होता है प्लीहा फिर स्प्लीन में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो ये आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन आया है तो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन देखिए क्या होता है, यह पाया जाता है आपका आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसी कारण इसका रंग जो होता है ना आरबीसी का रंग लाल हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। इसमें आपका एक आयरन पाया जाता है, आयरन कहते हैं ना आपका, आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, परिवहन करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। हीमोग्लोबिन की ना दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये हीमोग्लोबिन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया ना तो ये ऑक्सीजन को भी छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देगा। किसको ग्रहण कर लेगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड को, जिसको कहते हैं जिगरी यार इसका हो जाना। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से बच के रहना चाहिए। ठीक है ना, कभी भी बंद कमरे में अंगीठी या फिर चूल्हा ना जलाएं, कभी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी मौत हो गई। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है आपका, एनीमिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो ये आपका है लाल रक्त कोशिका का, ऑप्शन बी सही उत्तर है। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन आपका होता है प्रोटीन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से वर्णक प्रोटीन कौन सा, वर्णक मतलब जो रंग देता है, हीमोग्लोबिन ही रंग देता है आपका आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है ना उसी के कारण आपका खून जो आरबीसी का रंग है वो लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन को ही ले जाता, ऑप्शन डी सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का काम करता है? ऑक्सीजन कौन ले जाता है आपका? हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब लाल रक्त कोशिका का होगा तो हीमोग्लोबिन ही उसमें ही होता है, ठीक है ना, लेकिन हम मारेंगे हीमोग्लोबिन पर। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है आपका हीमोग्लोबिन। एल्ब्यूमिन आपका वो करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। इंसुलिन आपका पेनक्रियाज की बीटा सेल के लंगर आइलेट्स ऑफ लंगर हैंस सेल में पाया जाता है। कोलेजन के कारण आपका एक वसा है जिसके कारण शरीर की सुंदरता चेहरे पर निखार आता है, ठीक है। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपका? लोहा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक है, किसके? आयरन के लिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? तो आपका मैंने बताया था सबसे ज्यादा दोस्ती किससे होता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड से, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? मतलब आपका जिससे ज़्यादा दोस्ती होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अगला, निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के सापेक्ष हीमोग्लोबिन से अधिक बंध होता है? बोला था ना हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाएगा वो, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। या कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देगा, ठीक है। एक चीज़ आप बता देता, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना आपका, या फिर चलिए आगे ही देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ई रिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? वही आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बार ये जुड़ गया हीमोग्लोबिन के साथ तो वो छोड़ता उसको नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ही प्रश्न है लेकिन देखिए घुमा घुमा कर पूछा हुआ है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहनित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाता है, किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सोडियम कार्बोनेट के रूप में, Na2CO3, ठीक है ना, और इस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मानव खून के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, जाता खून में ही है लेकिन सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाता है वो। जब ये श्वसन फेफड़े में पहुँचता है तो सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है। रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है किसमें? कार्बोनिक एसिड के रूप में, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? कौन सा भाग करता है आपका वो? ये तो सारे शरीर से, पहले हवा कहाँ जाती है आपका? फेफड़ा में जाती है। फेफड़ा में कहाँ पर ये आदान प्रदान होता है आपका वो? देखिए ट्रेकिया से तो हम सांस लेते हैं, लैरिंग्स उसके नीचे आ जाता है, ठीक है, ब्रोंकाई उसका एक पार्ट है, ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले वायु नली आ गई, ठीक है, उसके नीचे लैरिंग्स आ गया वो, ठीक है, दो पार्ट में बट जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, आगे जा कर के और बट जाता है जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं, और सबसे लास्ट में जा कर के ना अंगूर के दाने का आपका एल्वियोलाई मिलता है वो, ठीक है, जहाँ वहाँ पर क्या करता है एल्वियोलाई है, शरीर के विभिन्न भागों से लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को यह ले लेता है और बाहर छोड़ देता है वो, और बाहर से आए गए ऑक्सीजन को शरीर के अंदर भेज देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है वो। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक आपका वही है हीमोग्लोबिन है, ठीक है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? यह आपका याद रखना पड़ेगा, केचुआ में। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसका रक्त देखोगे आपको इसके आर पार दिखेगा, कोई भी लाल रंग का इसमें रक्त नहीं दिखेगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सही है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, सही है, लौह युक्त यौगिक है, सही है, कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है, ठीक है,
तो 1 2 4 आपका सही है ऑप्शन, और 1 2 4 सही है। ठीक है, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है, ये आपको डाटा वाला आपको याद रखना पड़ेगा। 1.3 ml होता है आपका वो, ठीक है, मिलीलीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो श्वास की गति क्या होगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कम गया तो ऑक्सीजन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप सांस क्या लोगे, तेजी से लोगे, तो आप श्वास की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, अरक्तता में किसकी कमी हो जाएगी आपकी, हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही उत्तर है वो, इसको रक्तहीनता भी कहा जाता है, वो कहते हैं ना हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है आपका, एनीमिया, इसको अरक्तता भी कहते हैं, और क्या कहा जाता है इसको, रक्तहीनता भी कहा जाता है। श्वास की गति क्या हो जाएगी इसमें, बढ़ जाएगी। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, अरक्तता होता है आपका फॉलिक एसिड के कारण, ठीक है ना, आपने देखा होगा विटामिन B12 पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है वो। किस विटामिन की कमी होने पर प्रनासी रक्ताल्पता हो जाती है, वो फॉलिक एसिड किस में पाया जाता है आपका, विटामिन B12 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अगला है, थैलासीमिया के रोगों में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलासीमिया आपका क्या होता है आपका, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसके संश्लेषण की क्षमता शरीर में नहीं रहती है। थैलासीमिया में इसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है आपका वो, ठीक है ना, इस कंडीशन को कहा जाता है थैलेसीमिया। ठीक है, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारणों से प्रभावित होता है, कौन उनमें से नहीं है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन को हमने डिस्टर्ब करना है, ठीक है, तो रक्त की कमी होगी तो होगा ही, आयरन की कमी क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। एक है गर्भावस्था, जहाँ पर भी वो रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, लेकिन याददाश्त जाना इसके कारण हीमोग्लोबिन के स्तर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, तो ये था आज का 57 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, कैसा लगा, आप रिवीजन कीजिए, बार बार इसका क्विज भी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, और एक लाइक ज़रूर दे करके जाइएगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कीजिए उतना बढ़िया आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक, थैंक यू।